वेलकम टू डिफेंस क्लासेस दोस्तों, आज की इस वीडियो हमारा स्पोर्टिंग इरर्स का पार्ट थ्री होने वाला है, यानी कि स्पोर्टिंग इरर्स जो कि हमारा पार्ट टू हो, पार्ट वन और पार्ट टू खत्म हो चुका है और पार्ट थ्री आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और आज ही हमारा जो है स्पोर्टिंग इरर्स का पूरा जो रूल का चैप्टर था वो कम्प्लीट हो जाएगा। उसके अलावा अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे स्पोर्टिंग इरर्स का अच्छे से अच्छा, और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट को करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा होंगे हमारे। तो आज का ये जो वीडियो है आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें जितने भी रूल बचे हुए थे आपके आज सबको एंड कर दिया, यानी सबको ख़त्म कर दिया जाएगा इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज का वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और इसको अच्छे से देखिएगा। जो भी रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, जो पहला रूल हमारे सामने निकल के आता है कि तौल के मिलने वाली चीज़, ठीक है, तौल के मिलने वाली चीज़ें जो है हमारी सिंगुलर होती है, यानी कहने का सेंस क्या है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें तौल के मिलती हैं हमको, ठीक है, तौल के मिलने वाली चीज़ें जो हमारी सिंगुलर होती हैं, यानी जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के द्वारा हम इसको और अच्छे समझेंगे। जैसे देखो हमको दिया हुआ है अ ग्रेट डील ऑफ मैंगोज वर शिप्ड। अब यहाँ पे हमको देखने में क्या आ रहा है हमको कि अ ग्रेट डील ऑफ, अब आपको यहाँ पे एक एग्जांपल को हमने थोड़ा सा घुमा के लिया है, अ ग्रेट डील ऑफ, ये जो पूरा हमको दिया हुआ है ये हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है, अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है, अ ग्रेट डील ऑफ हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और ये पूरा हमको सिंगुलर, यानी एक सिंगुलर जो है कम्युनिटी को दिखाता है। और जो हमको मैंगोज, देखो मैंगोज क्या है, मैंगोज दिया हुआ है वर्क शिफ्ट, यानी वर के प्लेस हमारा क्या हो जाएगा वाज, ठीक है, वर के प्लेस हमारा क्या हो जाएगा वाज। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको और बहुत ही अच्छे समझ में आनी है, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आगे आपको और भी बेहतर चीज़ें बताई जाएंगी, आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें और बेहतर चीज़ों को लिया जाएगा। देखिए, जो पहला हमारे सामने निकल के आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल कि जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, यार ठीक है, देखो इसमें जिन चीज़ों को हम लोग गिन सकते हैं, गिनकर लेते हैं, यानी कि जिन चीज़ों को हम लोग गिन सकते हैं या उनको हम गिनकर खरीदते हैं उसको अ ग्रेट नंबर ऑफ होता है, यानी वहाँ पे हम एक अ ग्रेट नंबर ऑफ का यूज करते हैं। जैसे क्या क्या चीज़ें हम गिनकर ले सकते हैं, जैसे हमारा बनाना है, ठीक है, बनाना को हम लोग गिनकर ले सकते हैं, ठीक है। बाकी और जैसे हमारा पोटैटो वगैरह उसको हम लोग गिनकर नहीं, उसको हम लोग किलो में, मतलब उसको एक मेजरमेंट में खरीदते हैं, ठीक है। तो जैसे जिन चीज़ों को हम लोग गिनकर लेते हैं या फिर ले सकते हैं, ठीक है, उनके साथ हम लोग अ ग्रेट नंबर ऑफ यूज होता है, ठीक है, उनके साथ अ ग्रेट नंबर ऑफ यूज होता है हमारा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि जिन चीज़ों को हम लोग गिनकर ले सकते हैं या गिनकर लेते हैं उनके साथ अ ग्रेट नंबर आपका यूज किया जाता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल देखें जिससे हमको ये चीज़ें और बेहतर समझ में आ जाएंगी। जैसे देखो हमको जो एग्जांपल दिया हुआ है प्लेंटी ऑफ एनिमल्स किल्ड, अब इन चीज़ों को देखते हैं हम लोग, इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, इसका कहने का मतलब यहाँ पे क्या है। जैसे देखो कि प्लेंटी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स क्या है हमारा, एनिमल्स को हम लोग गिन सकते हैं, आपको पता है गिन सकते हैं ना, तो हमारा क्या हो जाएगा जो हमारा वाज लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो हमको एक चीज़ और ध्यान देने वाला बात है कि क्या ये जैसे एनिमल को हम लोग खरीदते हैं या सेल करते हैं तो हम लोग गिन कर खरीदते हैं सेल कर सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है वो हमारा क्या है, एनिमल्स हमारा क्या है, अगर हम एक एनिमल की बात करें तो हमारा सिंगुलर होगा, लेकिन जब एनिमल्स मतलब बहुत सारे जानवरों की बात की जाएगी तो हमारा वाज का यूज ना होकर के वर का यूज होगा, क्योंकि वो प्लूरल नंबर में ऑलरेडी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर का यूज किया गया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, प्लेंटी ऑफ वाटर वाज वास्टर। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, इसमें देखिए हमारा वाटर क्या होता है, वाटर जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों हम तरह से हम लेते हैं, ठीक है, वाटर को सिंगुलर भी माना जाता है और सेंटेंस अकॉर्डिंग और प्लूरल भी माना जा सकता है। तो इस सेंटेंस हम देखते हैं प्लेंटी ऑफ वाटर वाटर्स, यानी कहने का मतलब क्या है, वाटर से कहने का मतलब क्या है, हम लोग वर का यूज़ नहीं करेंगे वाज का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्लेंटी ऑफ पे बाद आने वाली चीज़ें यानी सिंगुलर होती है, यानी हम क्या होता है जब किसी भी सेंटेंस में जब हम अ नंबर ऑफ का यूज करें या फिर अ ग्रेट डील ऑफ का यूज करें या प्लेंटी ऑफ का यूज करें तो हमारा वहाँ पे अधिकतर चीज़ें जो है सिंगुलर होती है, यानी कहने का सेंस क्या है कि जब हम प्लेंटी ऑफ अ नंबर ऑफ या अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे, अ नंबर ऑफ प्लेंटी ऑफ, ठीक है, और अगर हम लोग अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है, अ ग्रेट डील ऑफ का यूज करते हैं तो हमारा वहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अच्छा, इन्हीं चीज़ों को भी हम आगे एक जो हमारा नेक्स्ट होने वाले रूल है उसमें और अच्छे से, ठीक है, उनमें और अच्छे से करेंगे, ठीक है, उनको और अच्छे से करेंगे और उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस भी आएगा, ठीक है, तो आपको और बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे देखिए हमारा जो नेक्स्ट आता है रूल, प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन अनकाउंटेबल होता है तो वर्ब सिंगुलर होगी। कहने का मतलब क्या है, अगर प्लेंटी ऑफ के बाद जो है नाउन हमारा अनकाउंटेबल है, प्लेंटी ऑफ के बाद हमारा नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर होगी, प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन काउंटेबल है तो वर्ब प्लूरल होगी, यानी किसका जो उल्टा होता है। दोनों दोनों चीज़ों को समझ लीजिए, पहले हम पहला समझते हैं
कि अगर प्लेंटी ऑफ के बाद, ठीक है, प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन अनकाउंटेबल है तो, ठीक है, प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर होगी, ठीक है, क्या होगी, वर्ब सिंगुलर होगी। अब इस तरह से इस चीज़ों को समझ सकते हैं, जैसे जो हमारा एग्जांपल निकल के आता है, इसमें एग्जांपल को डालेंगे भी और बेहतर तरीके से हमको समझ में आ जाएगा। ये देखो हमारा जो हमको एग्जांपल जो दिया हुआ था वहाँ पे कि प्लेंटी ऑफ, ठीक है, प्लेंटी ऑफ वाटर वाज वेस्टर, यानी वास्टर, ठीक है, ये हमारा हमको एग्जांपल दिया हुआ था। दोस्तों इसको हम अच्छे से देखते हैं, क्यों हमको जो रूल दिया हुआ है यहाँ पे और बेहतर तरीके से इसको हम समझ लेते हैं कि हमको दिया था प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन अगर अनकाउंटेबल। देखो वाटर हमारा क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होता है वाटर, लेकिन यहाँ पे अनकाउंटेबल है, ठीक है, वाटर क्या हमारा है, अनकाउंटेबल। इस तरह से चीज़ों को और समझ लेते हैं तो आपकी आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप प्रॉपर इन चीज़ों को अगर समझ जाओगे फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। देखो प्लेंटी ऑफ हमारा आया हुआ है, ठीक है, प्लेंटी ऑफ का जो हमारा वाटर है क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है, क्या है, अनकाउंटेबल है। उसके बाद देखो हमारा क्या, वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी वर्ब हमारा क्या आया है, वाज, ठीक है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी वाज है वो हमारा सिंगुलर होगा, और वाटर भी हमारा एक प्रकार से सिंगुलर ही है, ठीक है। तो अब आपको उम्मीद करता हूँ चीज़ें एग्जांपल के द्वारा और अच्छे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट हम एक दो एग्जांपल और लेंगे जिससे आपको चीज़ें एकदम बेहतर ढंग से समझ में आ जाएंगी, कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। अब नेक्स्ट इसका जो कॉम्बिनेशन आता है निकल के उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, जिसका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन निकल के आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। देखो हमारे पास प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन अगर क्या है, काउंटेबल है तो वर्ब प्लूरल होगी, यानी कहने का मतलब क्या, अगर प्लेंटी ऑफ के बाद, ठीक है, प्लेंटी ऑफ के बाद, ठीक है, प्लेंटी ऑफ के बाद अगर नाउन हमारा, ठीक है, काउंटेबल है, ठीक है, नाउन हमारा काउंटेबल है तो वर्ब प्लूरल होगी, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन काउंटेबल है तो वर्ब प्लूरल होगी। अब एक एग्जांपल को देखते हैं इसके, इसमें अभी हमको चीज़ें पूरा क्लियर हो जाएंगी। देखो हमारे सामने क्या दिया हुआ है, बी नोटिस सम मंकीज, ठीक है, बी नोटिस सम मंकीज आर लेजी व्हेन एवर बी आर देन इन द जू एंड सम वर डेलीगेंट। अब इनको हम जब देखते हैं तो हमारे सामने देखो हमको इतना बड़ा सेंटेंस देख के हमें लगेगा कि बहुत सारी दिक्कतें होंगी, यानी इसमें बहुत सारा एरर होगा, ठीक है, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं, ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अब इसको एक तरह से और समझ लेते हैं, पहले एक एग्जांपल और डाल देते हैं इसी में, पहले ऊपर वाले समझने के लिए, फिर इसको हम और बेहतर ढंग से आगे ले चलेंगे, ठीक है। जैसे पहले हम लोग इसी में डालते हैं, ठीक है, जैसे देखो हमको क्या दिया हुआ था, प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन काउंटेबल है तो वर्ब प्लूरल होगी। अब जैसे देखो वही एग्जांपल हम दोबारा लेते हैं, ठीक है, वही एग्जांपल हम लोग दोबारा लेते हैं, प्लेंटी ऑफ एनिमल, ठीक है, अब एनिमल सुना करके हम लोग एनिमल ले लेते हैं, ठीक है, वर, ठीक है, किल्ड। हमको देखो क्या निकल के आ रहा है, प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन काउंटेबल, यानी एनिमल क्या है, काउंटेबल, या फिर इसी जगह पे हम लोग एनिमल के प्लेस पे कोई नाम लिख लेते हैं, डॉग लिख लेते हैं, ठीक है, डॉग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिएगा प्लेंटी ऑफ डॉग वर किल्ड, अब देखो यहाँ पे जो हमको डॉग दिया हुआ नहीं, किसी डॉग की बात, प्रॉपर डॉग की बात हो रही, ठीक है, या फिर हम एनिमल ही, एनिमल्स ना करके एनिमल ही कर दें, देखो प्रॉपर एनिमल की बात होगी, किसी सिंगुलर की बात होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब प्लूरल हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब जो हमारा वाज था वहाँ पे वाज के प्लेस पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जांपल बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो एग्जांपल है, इसको एग्जांपल देखेंगे फिर इसका रूल करेंगे। देखो जो एग्जांपल हमको दिया था यहाँ पे, इसको एग्जांपल से पहले इसका हम रूल देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ हमको, किसी भी कंजक्शन के पहले, यानी किसी भी कंजक्शन के पहले, एंड और के पहले, या कंजक्शन मतलब क्या है, एंड और ये हमारा एक कंजक्शन होता है, ठीक है, हमारा एक कंजक्शन होता है, ठीक है, किसी भी कंजक्शन के पहले एंड या और, यानी ये हमारा दोनों कंजक्शन है, कि पहले और बाद की चीज़ें सेम होनी चाहिए, यानी इनके पहले और बाद की चीज़ें जो है सेम होनी चाहिए। इसमें हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। अब इस एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद क्या दिया हुआ है कि इसके बाद आने वाली चीज़ें जो है सेम होनी चाहिए। देखो सर ये व्हेन इवर भी हमारा एक कंजक्शन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सम यहाँ पे हमको दिया हुआ है, और फिर इसके बाद हम जब नेक्स्ट आते हैं तो देखो हमारा ये क्या है, बी के बाद हमारा आने वाली चीज़ें क्या है, प्लूरल है, ठीक है। और इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम जो यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे, आर का यूज़ ना होकर के वर होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट आया हुआ है वो व्हेन इवर है। अब आपको फिर से एक एग्जांपल को हम लोग बता देते हैं, यानी इसकी चर्चा फिर से कर लेते हैं कि जो आपको देखो एंड और आर से पहले होने वाली चीज़ें हमारी सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसको अभी और तरीके से हम समझेंगे नेक्स्ट वाले एग्जांपल, लेकिन इस एग्जांपल को पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखो हमको क्या दिया हुआ है, बी नोटिस सम मंकीज वर, ठीक है,
लेजी व्हेन एवर वी आर देन इन द जू एंड सम वर डिलीगेंट। अब इसको पहले वाले रूल पे हम लोग डालते हैं, क्योंकि देखो तो इसको हम दोनों रूल से सॉल्व कर सकते हैं कि हमको दिया हुआ मंकीज, ठीक है, उसके बाद हमारा जो आया है वर्ब वो प्योर यानी वर आई है, ठीक है। इस तरह से हमारा एग्जाम्पल ये राइट होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा, ठीक है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा। एक बार फिर से हम इसको जो है कहिए, तो आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट जरूर करिएगा। इस कमेंट को देख के हम दोबारा इस रूल को ले आके आपको दोबारा करवा दिया जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पे कोई आपको डाउट लग रहा होगा आप लोग कमेंट जरूर करा करिए, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट जरूर करा करिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसी भी कंजक्शन के पहले, ठीक है, किसी भी कंजक्शन के पहले, चाहे वो एंड हो या आर, एंड और ये दो हमारे कंजक्शन, इनके पहले और बाद की चीज़ें सेम होनी चाहिए, मतलब इनके पहले और बाद की चीज़ें सेम होनी चाहिए। जैसे मान लो हमारा एंड या और कंजक्शन लगा हुआ है, ठीक है, इसके पहले जो चीज़ें होगी इसके बाद की जो चीज़ें होंगी, इसके पहले और बाद की जो चीज़ें होंगी वो सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, उसके बाद और पहले आने वाली चीज़ें सेम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका और अच्छे समझेंगे। जैसे देखो हमको दिया हुआ है, यहाँ पे समझाया गया है कि देखो एंड आर और व्हेन एवर, ठीक है, ये हमारे तीन कंजक्शन है, ठीक है, हमारे तीन कंजक्शन है, ठीक है, इनके पहले और बाद आने वाली चीज़ें सेम हो, यानी सेम एज, मतलब जो आएगी चीज़ें यहाँ पे सेम एज आएगी इसी तरह से, और सेम एज यहाँ पे इनके पहले और बाद आने वाली चीज़ें सेम होनी चाहिए। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, इससे हमको चीज़ें एकदम कंफर्म हो जाएंगी। देखो वी सी देन द जू एंड सम वर डेलीगेंट। अब इसमें हम लोग देखते हैं वही एग्जाम्पल को थोड़ा शॉर्ट किया गया है। देखो एंड हमारा आया हुआ है, ठीक है, एंड के पहले हमारा जू आया हुआ है और सम आया हुआ है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो चीज़ें हमारी आती हैं वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर चीज़ें सेम हमको दी हुई हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे, देखो पहले वाले के अनुसार बाद वाले को बदल देना होगा, यानी अगर कोई भी चीज़ में ऐसा नहीं दिया हुआ है तो पहले के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो हम कह रहे हैं यहाँ पर एंड लगा हुआ है, ठीक है, एंड के पहले जो चीज़ें होंगी एज इट एज, मतलब यहाँ पे भी एज चीज़ों को कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे हमको जो भी चीज़ दी हुई है एंड, यानी जो भी कंजक्शन के पहले चीज़ दी हुई है वही सेम पीछे वाले में कर दिया, यानी पहले वाले के अनुसार जो पहले दिया हुआ, अगर मान लो हमारा सिंगुलर दिया हो तो बाद वाला भी सिंगुलर, पहले वाला प्लूरल दिया तो बाद वाला भी प्लूरल, ठीक है, जैसा हमको दिया होगा, ठीक है, जो पहला हमको दिया होगा उसी अकॉर्डिंग सेकंड वाले को हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। एंड या और के पहले जो हमको पहले दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग सेकंड वाले को हम लोग चेंज कर देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये रूल आपको समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखो इसमें दिया भी ये हुआ है पहले वाले के अनुसार बाद वाले को हम लोग चेंज कर देंगे, यानी कि जो जैसे कंजक्शन के पहले जो पहले हमको दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बाद वाले को चेंज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ लेते हैं। बेडिंग थ्रॉट शॉप्स और पास्ट थॉट जंगल्स। अब इसमें हम लोग देखते हैं, इस एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखो और हमारा क्या है, एक कंजक्शन है, ठीक है, हमारा और एक कंजक्शन आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमको पहला जो मिलता है वो क्या दिया हुआ है, वाइंडिंग, ठीक है, वाइंडिंग हमको दिया हुआ है। अब वाइंडिंग के अनुसार देखो हमारे यहाँ पे जब और के बाद आने वाली चीज़ें, अभी जरूरी नहीं कि इसके जस्ट बगल आए, इसके पहले भी आ सकता है, जो वर्ब इसके पहले लगी होगी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लास्ट वाले को चेंज कर। देखो यहाँ पे क्या आया, हमारा जीरंडा है, वी प्लस आई एन जी, यानी जीरंडा हमारा यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पास्ट हमारा ना होकर के यहाँ पे पासिंग हो जाएगा, मतलब पास्ट प्लस आई एन जी, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पास्ट प्लस आई एन जी, यानी जो हमारा पहले भी जीरंड आया है तो एज के बाद और के बाद आने वाली चीज़ें भी हमारा एज इट इज यानी पासिंग हो जाएंगी, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अब बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ चुकी होंगी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल और करेंगे जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना रह जाए। फॉर अ लिटिल बॉय, फॉर अ लिटिल बॉय कंप्लीटिंग अ टास्क इज एज एग्जरेटिंग एज टू डू हाउस होल्ड चोर्स। इसमें हम लोग देखते हैं, फॉर आ लिटिल बॉय कंप्लीटिंग अ टास्क इज एज एग्जरेटिंग एज टू डू हाउस होल्ड चोर्स। इसमें हम लोग देखते हैं हमारा क्या आया हुआ है, कंप्लीटिंग, ठीक है, कंप्लीटिंग आया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा एज आया हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पे भी एज आया हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा एज के पहले, यानी जो हमारा कंजक्शन के पहले चीज़ें आई हुई है, ठीक है, हमारा क्या आया है, कंप्लीटिंग, तो हमारा यहाँ पे एज के बाद आने वाली चीज़ें हमको जो क्या दिख रहा है, टू और डू, तो टू डू हमारा ना होकर के उसके पहले हमारा क्या हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हमारा पहले जीरेंड होगा तो बाद में जीरेंड हो जाएगा, यानी पहले हमारा अगर प्लूरल होगा तो बाद वाला प्लूरल हो जाएगा, पहले वाला अगर सिंगुलर होगा कंजक्शन के पहले तो हमारा बाद वाला कंजक्शन सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग पहले के अकॉर्डिंग हम लास्ट वाले को यानी बाद वाले को बदलेंगे। आइए अब नेक्स्ट रूल को हम लोग चर्चा करेंगे इसमें, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले रूल है, ठीक है। देखिए जो हमको पहला दिया हुआ है कि यूज टू के बाद जीरेंड भी आ सकता है, यानी यूज टू के बाद जीरेंड भी आ सकता है। अब इसमें हम लोग एक हमारा नया
चीज़ जुड़ के आ रहा है कि यूज टू का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, यानी यूज टू का हम लोग हमारे उसमें कहाँ पे यूज है, यानी यूज टू को हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं या उसका यूज करते हैं। तो देखिए पूरा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला चीज़ है और ये बहुत ही ज़्यादा आपके किसी भी एग्जाम के में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यूज टू के बाद जीरेंड भी आ सकता है, यानी कहने का मतलब क्या है, यूज टू का यूज जिस भी सेंटेंस में हुआ होगा उसके बाद हमारा जीरेंड आ सकता है, ठीक है, यानी यूज टू के बाद जीरेंड आ सकता है। आपको ये चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कि यूज टू के बाद जीरेंड आ सकता है। अब इसको नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर सेंटेंस पास्ट में है तो हैज को हेड कर देते हैं, यानी अगर यूज टू का यूज हुआ है और सेंटेंस हमारा क्या है पास्ट में है, अगर सेंटेंस हमारा पास्ट में है और यूज टू का यूज हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे हैज को हेड कर देंगे, ठीक है, हैज को क्या करेंगे हेड में चेंज कर देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये रूल बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रहे होंगे कि अगर सेंटेंस पास्ट में है तो हैज को हेड कर देते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस हमारा यूज टू का यूज हुआ है किस सेंटेंस में, यानी कि किसी सेंटेंस में अगर यूज टू का यूज हुआ है और सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो हैज को हम लोग हेड कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसको एक बार और ढंग से देख लेते हैं। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में है और उसमें यूज टू का यूज हुआ है, ठीक है, यूज टू का यूज हुआ है तो अगर हमको वहाँ पे क्या दिया हुआ है हैज दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे हमको हैज दिया हुआ है उसको हम लोग चेंज कर देंगे किसमें हेड में, ठीक है, उसको हम लोग किसमें चेंज कर देंगे हेड में चेंज कर देंगे। आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या निकल के आता है, या देखो पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जाम्पल है हमारे लिए, ठीक है। देखो द मेम्बर ऑफ द ऑफ दिस कमेटी हैज बीन इंटरेस्टेड टू फाइनलाइज द डाटा एज दे वर यूज टू डिलेइंग एंड लिंगरिंग। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, यूज टू का यूज हुआ है सेंटेंस में और सेंटेंस हमारा क्या है पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है, हमारा सेंटेंस किसका है पास्ट का, देखो वहाँ पे वर्ब लगा भी हुआ है, इससे भी हमको पता चल जाएगा, हम हेल्पिंग वर्ब देख के जान सकते हैं कि हमारा सेंटेंस पास्ट का है कि या किसका है, किसका हमारा सेंटेंस हमको दिया गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा यूज टू का यूज हुआ है और हमको वर्ब दिया, यानी कि हमारा डेफिनेटली हमारा सेंटेंस जो है पास्ट का है, हम लोग क्या करेंगे, देखो हमको हैज बीन भी दिया हुआ तो हैज बीन को हम लोग डायरेक्ट चेंज कर देंगे हेड में, आपको पता है हमने बताया था हैज को क्या करते हैं हेड में चेंज कर देते हैं, ठीक है, बाकी एज इट इज एज चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको हैज को हेड में कर दिया, बीन तो बीन साथ में रहेगा, यानी हमारा यहाँ पे ये चीज़ एरर था, ये हमारा राइट होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अब बहुत बेहतर ढंग से समझ में आए, क्योंकि आपको जब रूल को अच्छे से बता दिया जाता है तो एग्जाम्पल को अगर थोड़ा कम भी बताया जाएगा यानी आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट आता है यूज टू का रूल का यूज उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है, उसको समझेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के पर्पज से यूज टू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल होने वाला है क्योंकि आपका स्पोर्टिंग इयर्स और कुछ चैप्टर्स में और ये आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको और चीज़ें से रिलेटेड बताई जाएंगी। देखो हमारा जो आता है यूज टू से पहले, ठीक है, यूज टू से पहले इज एम आर यानी इज एम वाज वर सभी हो सकते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है इज एम आर वाज वर ये सब सभी आ सकते हैं हो सकते हैं, ठीक है, यूज टू के पहले ये लोग हो सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, आई एम यूज टू प्लेइंग क्लास सॉरी आई एम यूज टू प्लेइंग चेस, ठीक है। अब इसमें देखो यूज टू का जो सेंस है वो हैबिट के लिए आया हुआ है, यानी आदतों के लिए आया हुआ है, जो हमारा यहाँ पे यूज टू का सेंस यूज किया गया है वो हमारा आदतों को बताने के लिए, मतलब इसका मैं आदी हूँ कहने का मतलब क्या है हमारी हैबिट है उसके सेंस में इसका यूज किया गया। जैसे हम लोग देखते हैं आई एम यूज टू प्लेइंग चेस, मतलब मैं चेस खेलने का आदी हूँ, यहाँ पे हमारा जो सेंस निकल के आ रहा है दोस्तों हमारे सामने कि आई एम यूज टू प्लेइंग चेस, मतलब मैं चेस खेलने का आदी हूँ, यहाँ पर जो यूज टू का सेंस हुआ यूज हुआ है उसका सेंस आदी के सेंस में, मतलब किसी चीज़ का आदी होने के सेंस में हुआ है, यानी किसी के हैबिट के सेंस में यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज टू का हम लोग कोई विशेष मतलब ना निकाल के या कोई हम वर्क का यूज निकाल के कि हमको यहाँ पे ये करना है पास्ट ये सब नहीं देखना, हमको खाली हमको देखना है यूज टू हमारा किसके सेंस में यूज हुआ है कि आदि के सेंस में, किसी चीज के आदि होने के सेंस में यूज हुआ है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा आई एम का यूज इसके साथ होगा, ये हमारा राइट है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल को और देख लेते हैं, चीजें हमको क्लियर हो जाएंगी। आई यूज टू प्लेइंग चेस, ठीक है, यहाँ पे भी देखो हमारा क्या हुआ, अब प्लेइंग के प्लेस में हम लोग क्या कर देंगे प्लेस, ठीक है, अब क्यों कर देंगे प्लेस को हम लोग, आई यूज टू, ठीक है, आई यूज टू, अब यहाँ पे देखो आई एम का यूज नहीं हुआ, यानी आई एम का यूज नहीं हुआ तो इससे हमको पता चल गया कि ये यहाँ पे आदि होने का सेंस नहीं है, यानी कि हमारा आई जो है सिंगुलर है तो हमारा ये जो प्लेइंग ना होकर के हमारा प्ले हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आए, इसलिए हमने दोनों एग्जाम्पल को लेकर आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पे क्या था, आई एम यूज टू प्लेइंग चेस, मैं चेस खेलने का आदि हूँ, यहाँ पे आदि का सेंस था इसलिए यहाँ पे चीज़ें सेम रह गई, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन जब हमको क्या दिया हुआ, आई यूज्ड टू प्लेइंग चेस,
यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह का यूज नहीं किया गया, ठीक है, तो हमारा क्या आया निकल के कि हमारा प्लेइंग ना होकर के हमारा प्ले हो जाए, क्योंकि यूज टू हमारा जिस अकॉर्डिंग दिया होगा, ठीक है, अगर हमारा यूज टू हमारा जिस अकॉर्डिंग दिया उस अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे, नेक्स्ट रूल को देखेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए इसका एक रूल और आता है जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला रूल है, ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो जब यूज टू से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब दी होगी, ठीक है, जब भी यूज टू के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब हमको दी होगी तभी तो उसके बाद जेरेंड बी प्लस आई एन जी ही लगेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जब यूज टू के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब हमको दी होगी, जैसे आपको पहले दिया हुआ था कि हमको हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ था आई, उसके बाद क्या दिया था आई एम, ठीक है, तो वहाँ पे इसलिए हम लोग क्या लगा दिया, जीरेंड का यूज कर दिया। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है, ये भी हमारा समझने का एक बहुत बेहतरीन तरीका कि अगर हमको यूज टू के पहले क्या दिया हुआ है, अगर यूज टू के पहले हमको दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमको यूज टू के पहले हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, ठीक है, अगर यूज टू के पहले हमको हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो हमारा उसके बाद आने वाली चीज़ें क्या होंगी, जीरेंड होगी। इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि उसके बाद आने वाली चीज़ें हमारी क्या होंगी, जीरेंड होंगी, ठीक है, उसके बाद आने वाली चीज़ें हमारी जीरेंड होगी, इससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। जैसे देखो आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, यही एग्जाम्पल था कि देखो यूज टू हमारा आया हुआ, उसके पहले क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, आई एम लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, आपका आई एम लगा हुआ है, ठीक है, यूज टू के पहले क्या लगा हुआ है, आई एम लगा हुआ है, तो हमारा इसके बाद आने वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, जीरेंड यानी प्ले प्लस आई एन जी यानी प्लेइंग हो जाएंगी, ठीक है, और जीरेंड आपको पता होगा बी प्लस आई एन जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी जोड़ देते तो हमारा जीरेंड बन जाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इसमें आप इसमें क्या था कि आई यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या एरर था, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई थी, यानी यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया था, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लेइंग का यूज ना करके हम लोग प्ले का यूज कर देंगे, हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। अब आपको मेजर जो डिफरेंस था, आपको जो बेसिक इसमें डिफरेंस था वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होने वाला है, ये एक अलग कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है, ये हमारा एक अलग कॉम्बिनेशन होने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नॉट ओनली और बट आल्सो का कॉम्बिनेशन देखेंगे। देखो द काउबॉयज यूज टू लिव अ वेरी रफ लाइफ एंड वर नॉट यूज टू लग्जूरियस लिविंग। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो काउबॉय की यूज टू, यहाँ पे इसके पहले देखो कोई हमारा क्या कोई वर्ब आया है, नहीं आया है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, लेकिन यहाँ पे वॉयस की बात हो रही है, यहाँ पे इसका यूज करनी वॉयस हमारा है, हमको पता है काउ वॉयस की बात हो रही है, प्लूरल है हमारा, ठीक है, लेकिन यूज टू के पहले हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया हुआ है। अब यहाँ इसके बाद देखते हैं लिव अ वेरी रफ लाइफ एंड वर नॉट यूज टू लग्जूरियस लिविंग, तो ये हमारा सेंटेंस राइट हो गया, ये एक अलग कॉम्बिनेशन है, ये हमारा एक्सेप्शन होता है, ये हमारा एक अलग कॉम्बिनेशन होता है, ये हमारा राइट होता है, ठीक है। दूसरे से एग्जाम्पल को लिया गया कि आपको कहीं ये चीज़ें कन्फ्यूज कर सकती थी कि इसमें क्यों यूज नहीं होता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कुछ हर चैप्टर में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तो इस तरह से इसको हम लोग देखते हैं, हमारा सेंटेंस राइट होता है। आइए अब नेक्स्ट हम लोग नॉट ओनली और बट आल्सो को पढ़ेंगे, ठीक है, नॉट ओनली और बट आल्सो को पढ़ेंगे, इसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं नॉट ओनली और बट आल्सो, आपको पता होगा नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज एक साथ किया जाता है, यानी कि जब भी यूज होगा नॉट ओनली उसके बाद बट आल्सो, ठीक है, नॉट ओनली रमेश, और जो इनका सेंटेंस होता है वो ना कि यानी कि नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है, नेगेटिव सेंस देता है, और कभी किसी भी सेंटेंस में डबल नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है, और जो बट आल्सो है वो पॉजिटिव का सेंस देता है। आपको अभी जब एग्जांपल करवाएंगे तो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो हमको दिया हुआ है नॉट ओनली रमेश बट आल्सो हिज ब्रदर्स है बॉट अ हाउस, ठीक है, अब इसका कहने का मतलब का है ना कि रमेश जबकि या कि उसका भाई हैज बॉट अ हाउस, मतलब यहाँ पे देखो दो चीज़ों की बात हो रही है, यानी कहने का मतलब नॉट ओनली रमेश, खाली रमेश की बात नहीं उसके ब्रदर की भी बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा सुलर हैज ना होकर के हमारा क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होगा। और इसको और सबसे बड़ी चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं हिज ब्रदर्स, ठीक है, हिज ब्रदर्स आया है, यानी ब्रदर्स हमारा प्लूरल है, हम लोग प्लूरल का यूज करें, यानी प्लूरल हम वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इन चीज़ों को समझ सकते हो, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे जो हमारा निकल के आता है। अच्छा एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते, देखो नॉट ओनली द सोल्जर्स बट आल्सो द कमांडर फाइट फॉर द कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमको फाइट दिया हुआ है, देखो यहाँ पे सोल्जर्स की बात हुई है और कमांडर, दोनों अलग अलग चीज़ें, ना कि सोल्जर
जबकि कमांडर भी, यानी जो सोल्जर का कमांडर होता है वो भी क्या करता है, फाइट फॉर द कंट्री, वो कंट्री के लिए लड़ाई करता है, यानी कंट्री के लिए लड़ता है, ठीक है। तो फाइट ना करके क्या हो जाएगा हमारा, फाइट्स, ठीक है, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइदर और नाइदर नॉट, इसका जो कॉम्बिनेशन निकल के आता है इसमें क्या क्या एरर है, यानी क्या क्या चीज़ें समझने वाली, इसको हम लोग देख लेते हैं। आइदर और या फिर नाइदर नॉट, इसमें क्या चीज़ें निकल के आती है, देखो हमको जो दिया हुआ है, आइदर द शॉपकीपर और द कस्टमर्स हैव स्प्रेड दिस रूमर, ठीक है, ना कि सब, मतलब ना कि दुकानदार या अथवा कहने का मतलब कस्टमर, दोनों ने इस रूमर को फैलाया। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे शॉपकीपर की भी बात हो रही है और यहाँ पे कस्टमर की भी बात हो रही है, और जो हमारा कस्टमर है वो क्या है, कस्टमर कोई पर्टिकुलर एक कस्टमर की, यानी ग्राहक, बहुत सारे ग्राहकों की बात हो रही, बहुत सारे कस्टमर्स की बात हो रही, तो यहाँ पे हमारा हैज ना यूज होकर के हैव यूज होगा, क्योंकि वो प्लूरल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अब बेहतर ढंग से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखो नॉट ओनली और बट आल्सो का एक जो कॉम्बिनेशन था उसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, नॉट ओनली के साथ क्या आता है हमारा, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, नॉट ओनली और बट आल्सो का जो कॉम्बिनेशन होता है एक साथ होता है। उसके बाद आइदर और, ठीक है, आइदर और, नाइदर नॉर, उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक आता है और, ओनली और, ठीक है, ये चार आता है कॉम्बिनेशन, और जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, आपके एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसको हम लोग फिर से इसके रूल को और समझा देता हूँ आपको कि वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ठीक है, इसके जो वर्ब होंगे जब भी इन कॉम्बिनेशन का यूज होगा ठीक है दोस्तों, इसको समझिएगा आप लोग कि जब भी इन कॉम्बिनेशन का यूज किया जाएगा, जब भी इन कॉम्बिनेशन का नॉट ओनली, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, इनका या फिर नाइदर नॉर आइदर और का, ठीक है, इनका जब भी यूज किया जाएगा, इनका जब भी यूज किया जाएगा, आपको बता दें जब भी इनका यूज किया जाएगा, तो जो वर्ब होगा वो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसा कि आपको पहले एग्जांपल में आपको हमने बताया, उसमें दिया भी हुआ था कि ब्रदर्स के अकॉर्डिंग आया था, ठीक है, ब्रदर्स के अकॉर्डिंग, कमांडर्स के अकॉर्डिंग आया था। कहने का मतलब जो इसके वर्ब होंगे वो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार आएंगे, ठीक है, जो हमारा इसका होगा वो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। नेक्स्ट हम लोग रूल को देखेंगे, जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला रूल है, यानी कहने का मतलब क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जांपल है, ठीक है। देखो हमको दिया हुआ है, आइदर यू और आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मतलब क्या हुआ है इसमें, देखो इज के प्लेस हमारा क्या आया हुआ है, आई एम आया हुआ है, ठीक है, इज के प्लेस पे हमारा क्या आया हुआ है, आई एम आया हुआ है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें अब आपको समझ में आएगी। अभी देखिए नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल को और अच्छे से देख लेंगे, और कुछ एग्जांपल और जिसमें जो है क्या होता है, इसके फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो हमारा जो कॉम्बिनेशन निकल के आता है कि विथ, ठीक है, एलॉन्ग विथ, टूगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड, एकम्पनेड बाई, इन एडिशन टू, ठीक है, और लेड बाई, ये हमारे कॉम्बिनेशन, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारे जो कॉम्बिनेशन है विथ, एलॉन्ग विथ, टूगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड, एकम्पनेड बाई एंड एडिशन टू और लेड बाई, इनके फर्स्ट पर्सन के अनुसार वर्ब लगता है। इनके साथ जब भी इसका यूज होगा, इनके फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब का यूज किया जाता है। अभी देखिए हम जो एग्जांपल करेंगे चीज़ें आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगी। देखिए जो हमको दिया होगा ये भी, ये चीज़ें आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएंगी। देखो रजनी इज प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई एज सून एज द रिटायर इन अगस्त द नेक्स्ट ईयर। जब इस पर हम लोग देखते हैं, अच्छा एक चीज़ और समझ लेते हैं, आप पहले से हमको जो है नेक्स्ट ईयर दिया होगा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के पहले कभी दा का यूज़ नहीं, यानी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, नेक्स्ट ईयर के पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, और नेक्स्ट वीक के पहले भी हमारा कभी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। जनवरी या मंडे, यानी अगर आपको मंथ का नेम दिया, ओनली मंथ का नेम दिया, या फिर मंडे से यानी पर्टिकुलर डे का नेम दिया, तो आप लोग आर्टिकल का यूज कर सकते हो, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये आपको बताने वाली चीज़ें थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब देखिए हम एग्जांपल को देखते हैं, रजनी इज प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई एज सून एज सी रिटायर्स इन अगस्त द नेक्स्ट ईयर। इसमें हम लोग देखते हैं हमारा क्या होगा, अब इसमें हम लोग अच्छे से देखते हैं कि एज सून एज, ठीक है, एज सून एज हमारा यहाँ पे आया हुआ है। अब जो हमारा यहाँ पे वर्ब लगेगा, यानी जो हमारा वर्ब लगा हुआ है रिटायर्स इन अगस्त नेक्स्ट ईयर, यानी कहने का मतलब क्या है, जब भी नेक्स्ट ईयर की बात आएगी तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यानी वहाँ पे हम लोग कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तो हमारा जो यहाँ पे दा दिया हुआ होगा वो रिमूव हो जाएगा। ये आपको एक रूल बताना था, इसको हम लोग इसलिए बीच में ले लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए नेक्स्ट रूल पे हम लोग चलते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला रूल है। जब भी
ठीक है, जब भी महीने या दिनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जब भी महीने या दिनों का इस्तेमाल करते हैं तो आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। जब भी महीने या दिनों का इस्तेमाल होता है तो हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें अभी पहले बता देंगे और अब फिर से बता देंगे, अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसी को देखो, हमको दिया हुआ है आई विल कॉल यू टुमारो, ठीक है, आई विल कॉल यू टुमारो, यहाँ पे कहीं आर्टिकल का यूज नहीं हुआ, ठीक है। जब भी हम लोग क्या पर्टिकुलर डे की बात करेंगे या मंथ की बात करें, हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आई सेल कॉल यू टुमारो, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कोई भी किसी में आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं कर रहे होंगे, यानी कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना कि ये कंडीशनल सेंटेंस हमारा और बचा हुआ था जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला चीज़ था, इसको भी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जब जब एक पास्ट में हो, ठीक है, जब भी हमारी कोई एक चीज़ जो है पास्ट में हो, ठीक है, एक पार्ट हमारा जब भी पास्ट में हो, यानी कहने का मतलब ये आपको पहले कराया गया है लेकिन फिर से करवा दिया जा रहा है क्योंकि ये रूल भी आप में काफ़ी ज़्यादा, जब भी हमारा कोई भी पास्ट का सेंटेंस दिया हुआ हमको, ठीक है, मान लो हमको कोई सेंटेंस हमको दिया हुआ और पहले पार्ट में हेड प्लस भीतरी लगा हुआ है, ठीक है, हेड प्लस भीतरी हमारा पहले पार्ट में लगा हुआ है, तो जो हमारा सेकंड वाला पार्ट यानी दूसरा पार्ट होगा ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, उसमें वुड हैव प्लस भीतरी हो जाएगा, उसके सेकेंड पार्ट में हमारा ऑटोमेटिकली वुड हैव प्लस भीतरी हो जाएगा, ठीक है। हमारा वुड हैव भीतरी मानी हमारा पार्ट सेकंड में वुड हैव प्लस भीतरी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसको हम लोग कर देंगे। जिस पे आधारित यानी इस कंडीशनल सेंटेंस आधारित क्वेश्चन हमारे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन होते भी हों। जैसे हमको क्या दिया उसको हम रूल को एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक पार्ट में हमको हेड प्लस भीतरी दिया हुआ है, ठीक है, एक पार्ट में हमको हेड प्लस भीतरी दिया हुआ है तो दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस भीतरी हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली हमारा इसको हम लोग कर देंगे। हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है पास्ट कंडीशनल सेंटेंस का कि अगर एक पार्ट में हमको हेड प्लस भीतरी दिया हुआ है तो दूसरे पार्ट में हमारा वुड हैव प्लस भीतरी होना चाहिए, यानी हो जाएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं, ये चीज़ें हमको और बेहतर ढंग समझ में आ जाएंगी। हैड सी नॉट नोन, यानी कि हैड और प्लस भीतरी, यानी हैड के बाद हमारा क्या आया है, भीतरी आया। अबाउट इट सी वुड हैव स्टेड लॉन्गर, यानी कि वुड प्लस है प्लस भीतरी, यानी कि कहने का मतलब क्या, एक पार्ट में हमारा क्या होगा हेड प्लस भीतरी होगा और दूसरे पार्ट में हमारा क्या होगा वुड है प्लस भीतरी हो जाएगा, ठीक है, दूसरे पार्ट में हमारा क्या हो जाएगा वुड है प्लस भीतरी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जांपल अब बेहतर ढंग समझ में आ चुका होगा। हेड प्लस भीतरी हमारा एक पार्ट में होता है, यानी कंडीशनल सेंटेंस में जब भी हम बात करेंगे तो हेड प्लस भीतरी हमारा फर्स्ट पार्ट में होगा तो सेकेंड पार्ट में हमारा क्या हो जाएगा वुड है प्लस भीतरी, यानी इसका एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया पता गया। देखिए जो हमको दिया हुआ है हेड प्लस नोन हमारा क्या है भीतरी, उसके बाद जब पूरे सेंटेंस को हम पढ़ते हैं हैड सी नॉट नोन अबाउट इट सी वुड हैव स्टेड लॉन्गर, यानी कि वुड शुड हमारा आया फिर हैव आया और क्या हो गया स्टेड हो गया। अब वुड को शुड हमारा आया, वो शुड हमारा ना होकर के वहाँ पे क्या हो जाएगा वुड हो जाएगा। आपको पता है कि एक पार्ट में हैड प्लस भीतरी दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस भीतरी होता है, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे वुड हमारा राइट हो जाएगा, यानी हमारा शुड यहाँ पे रॉन्ग होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल आप समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल बचा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हमारे कोई भी चीज़ अब स्पोर्टिंग इयर्स में बचती नहीं है, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट रूल होने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। एज सून के बाद, ठीक है, एज सून के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। एज सून के बाद हमेशा क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। एज सून के बाद हमारा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। ये देखो हमको दिया हुआ है एग्जांपल देखते हैं। एज सून एज विल रीच दिल्ली आई विल सेंड यू द बुक्स। अब देखिए हमारा क्या हुआ है विल, यहाँ पे हम लोग पास्ट सॉरी फ्यूचर वगैरह का कोई यूज ही नहीं करेंगे, हमारा ये रॉन्ग होगा, ठीक है। एज सून एज रीच हमारा देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमारा एकदम राइट है। दिल्ली आई विल सेंड यू द बुक, यहाँ पे हमारा एकदम कॉम्बिनेशन राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बिल वगैरह का किसी चीज़ का यूज नहीं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब या कुछ भी यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा एज सून एज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। एज सून एज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है एज सून एज रीच दिल्ली आई विल सेंड यू द बुक्स, यानी कि हमारा एकदम राइट एग्जांपल हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी यूज नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट हम लोग अपना देख लेते हैं। फॉर प्लस टाइम होने पर, यानी कि कहीं पे इसके सेंटेंस में हमको फॉर प्लस टाइम होने पर, यानी फॉर प्लस टाइम अगर हमको दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगता है, यानी कि जब भी हमको कहीं पर फॉर उसके बाद टाइम दिया होगा तो हम लोग उसमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। जब भी हमको फॉर प्लस टाइम दिया होगा तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, इसका एक रूल समझ लेते हैं। हैज हैव बीन प्लस आई एन जी, यानी कहने का मतलब क्या हैज या हैव, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको पता होगा अगर उसके साथ बीन लगा तो हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दर्शाता है, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी वर लिविंग कनाडा फॉर अराउंड एट ईयर्स, हमको जो दिया हुआ एग्जाम्पल है वी वर लिविंग इन कनाडा फॉर अराउंड एट ईयर्स, ठीक है,
फॉर अराउंड 8 ईयर्स। देखो यहाँ पे क्या बी वर दिया हुआ है, तो बी वर हमारा ना होकर के वहाँ पे हैव बीन का यूज़ कर देंगे, यानी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा टेंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको जितने भी रूल बताए गए होंगे वो आपको समझ में आएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, चैनल से जुड़े, क्योंकि आपको आने वाले जो भी एग्जाम आपका MTS हो गया, आपका एक्स वाई ग्रुप का जो कि आपका नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएगा जून में, आपका NDA का एग्ज़ाम आगे होगा, आपका CAPF का जो एग्ज़ाम है, यानी आपके किसी भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके इंग्लिश के लिए बहुत ही बेस्ट क्लास बताई जा रही है, बहुत ही बेस्ट क्लास की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।